तो छिन जाएगी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि पाकिस्तान को मिल गई है एक आखिरी और फाइनल वार्निंग। अब इस बार इंडिया नहीं बल्कि तीन देश बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत। जी हां, पाकिस्तान को वार्निंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही पूर्व क्रिकेटर है, जो अब पाकिस्तान यानी कि पीसीबी के साथ साथ पाकिस्तान सरकार को भी वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ा बवाल शुरू हो चुका है कि क्या टीम इंडिया वहां जाएगी या नहीं। लेकिन अब तो तीन देशों की बात करते हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने बोर्ड को भी और सरकार को भी वार्निंग दे दी है, क्योंकि एक गलती चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीन लेगा। बासित अली ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने भी यहां आना है, हमें सिक्योरिटी बहुत टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर कोई भी घटना हुई तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली जाएगी। बलूचिस्तान और पेशावर में हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन गलत हो रहा है। हुकूमत को इस पर भी फोकस करना चाहिए, छोटी सी भी घटना नहीं होनी चाहिए। जो सिक्योरिटी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मिलती है, वही सिक्योरिटी विदेशी टीमों को भी मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चीफ हैं, वो इस बात को लेकर जागरूक होंगे। दरअसल बासित अली का कहना है कि अभी तीन टीमें पाकिस्तान में आकर सीरीज खेलने वाली, और ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती है या सुरक्षा को लेकर कोई चूक होती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली जाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को पाकिस्तान जाकर सीरीज खेली है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बासित अली ये कह रहे हैं। आपको याद होगा कैसे श्रीलंका के खिलाड़ियों पर कुछ साल पहले जो है वो गोलियां चली थी, जिसके बाद से कई सारी टीमों ने पाकिस्तान में जाकर खेलने से इनकार कर दिया था, लेकिन बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से शुरू हुआ है। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर पाकिस्तान में सीरीज देखे तो बांग्लादेश यहां पर दो टेस्ट मैच खेलने वाली है, 21 से 25 अगस्त के बीच में पहला टेस्ट मैच होगा, 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में दूसरा टेस्ट मैच कराची में खेला जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा करने वाली है, जिसमें 7 से 11 अक्टूबर को पहला टेस्ट मुल्तान में होगा, 15 से 19 अक्टूबर को दूसरा टेस्ट मैच कराची में होगा, और 24 से 28 अक्टूबर के बीच में तीसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसके बाद नए साल यानी कि 2025 में वेस्टइंडीज दो टेस्ट मैच खेलेगी, जो 16 से 20 जनवरी पहला टेस्ट मैच कराची और 24 से 28 जनवरी दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में होगा। तो इन सारी सीरीज को लेकर बासित अली थोड़ा चिंता है, और वो कह रहे हैं कि अगर इन सीरीज के दौरान कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो फिर मामला बिगड़ सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है। आईसीसी ने भी पाकिस्तान के लिए बजट पास कर दिया है, हालांकि बीसीसीआई ने पाक जाने पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, वो चाहती है कि भारत सरकार इस पर फैसला ले, यानी कि भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही बीसीसीआई कोई फैसला सुनाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही है। तो बासित अली ने बात तो सही कही है, अगर एक भी ऊंच नीच हो जाती है, कुछ भी हादसा हो जाता है, तो वाकई आईसीसी सोचने पर मजबूर हो जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो है वो पाकिस्तान से छीन लेगा। अब देखना होगा कि हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी होती है या फिर किसी तरह भारतीय टीम भी पाकिस्तान पहुंचकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलती है।